सो so, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओप्पो ए सोला के मोबाइल में ऐप को हाइड कैसे किया जाता है जी हाँ दोस्तों वो कोई भी ऐप हो सारी की सारी ऐप को आप हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों चलते हैं फटाफट बताते हैं कि ऐप को हाइड कैसे किया जाएगा तो ऐप को हाइड करने के लिए आपको अपने यहाँ से सेटिंग ओपन करना है सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी का तो इस इसपे आपको क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो हाइड ऐप्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है इस इसपे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेट है प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे दोस्तों आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है जो भी आपको बनाना रहे तो दोस्तों यहाँ से हम फटाफट बना लेते हैं एक बार दोस्तों फिर से वेरीफाई करेंगे वही पासवर्ड जैसे दोस्तों आपको एक वेरीफाई पासवर्ड बन जाएगा तो आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी आंसर देना पड़ेगा सिक्योरिटी आंसर में आप कुछ भी लिख सकते हो लिखने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे सारे के सारे ऐप्स आ जाएंगे जिस एप्स को आपको हाइड करना है उसके सामने टिक है उस टिक को आपको इनेबल कर देना है तो दोस्तों उदाहरण के लिए हम यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर हाइड करेंगे तो क्रोम के सामने ठीक है स्टिक को यहाँ से इनेबल कर देंगे जैसे स्टिक को यहाँ से इनेबल कर देंगे आप दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेट एक्सेस कोड दोस्तों यहाँ से आपको एक एक्सेस कोड बना लेना है जिससे कि जो ऐप आप हाइड करोगे उसको चलाने में आसानी होगी तो दोस्तों यहाँ से सेट एक्सेस कोड कोड बनाने के लिए आपको सेटिंग का आप ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि आपको पहले में ही हज रखना है और आपको एक से लेकर सोलह अंक के बीच का कोई भी पासवर्ड बना सकते हो फिर लास्ट में भी आपको हैज बनाना है तो दोस्तों यहाँ से हम अपना पहला हैज लगा देते हैं लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम चार अंकों का पासवर्ड बना लेते हैं बनाने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से हैज लगा देते हैं जैसे दोस्तों हैज लगा देंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ सही के निशान पे आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक कर दोगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको जब भी हाइड वाली ऐप को चलाना रहे तो आपको वही हैज एक दो तीन चार हैज लगाना है तो आपको वो हाइड वाली ऐप आ जाएगी तो यहाँ से आपको डन कर देना है जैसे दोस्तों डन कर दोगे आपका सक्सेसफुली ये ऐप हाइड हो चुका है तो दोस्तों ये तो रही बात ऐप को हाइड करने की अगर दोस्तों आपका मन हुआ ऐप को चलाने का तो चलाएंगे कैसे तो दोस्तों चलाने के लिए आपको अपना डायलर यहाँ से ओपन करना है डालर ओपन करने के बाद आपने जो भी वहाँ पे एक्सेस कोड बनाया था वो एक्सेस कोड यहाँ पे आपको डालना है तो पहले हैच डालना है हैच डालने के बाद एक दो तीन चार डालेंगे जो भी पासवर्ड बनाया रहेगा है, फिर हैच लगा देंगे तो आपने जो भी ऐप हाइड की रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी तो दोस्तों इस तरह से आप ओप्पो ए के मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से तो दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें